दोस्तों, कहानी का नाम है मेरी ननद नौकरानी नहीं भाग दो। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात को एकांत होने पर अपेक्षा ने सोम से नंदिनी के बारे में बात की। सोम को भी अपनी बहन की हालत देखकर बुरा लगता था, लेकिन लिहाज के कारण वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाता था। अपेक्षा ने सोम से कहा, अगर नंदिनी की इस घर में कोई हैसियत ही नहीं तो हम उसे अपने साथ ही ले चलते हैं। सोम ने कहा, लेकिन क्या माँ इस बात के लिए राजी हो जाएंगी? अपेक्षा ने कहा, बात तो करके देखो एक बार। अगले दिन सोम ने माँ के सामने नंदिनी को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रख दिया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ चिढ़ गई और बोली, यह तेरे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सोम ने कहा, अगर सिर्फ घर का काम करने की बात है तो काम वाली बाई लगवा देता हूँ। अगर आपको नंदिनी से कोई भावनात्मक लगाव है ही नहीं तो फिर उसे जाने दीजिए। क्यों उसे दिन रात अपनी नज़रों के सामने रखकर खुद को भी कष्ट देती हैं और उसे भी? उसकी माँ ने चिढ़ते हुए कहा, ले जा, जिसे जहाँ जाना है जाए, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सोम की माँ को अपनी धन दौलत का बहुत गुरूर था। वह सोचती थी कि अगर उनके पास धन दौलत है तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना अकेले ही कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने नंदिनी को सोम के साथ भेज दिया। अपने भाई भाभी के साथ आकर तो नंदिनी की किस्मत ही बदल गई। अपेक्षा अपनी ननद को बहुत मान सम्मान के साथ रख रही थी। नंदिनी जिस प्यार और लगाव के लिए बचपन से तरसी थी, वो आज जाकर उसे नसीब हो रहा था। अब नंदिनी बहुत खुश रहने लगी थी। इधर शुरुआत में नंदिनी की माँ को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे खाली घर उन्हें काटने को दौड़ने लगा। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर थे ही, लेकिन नंदिनी जिस प्यार और मनुहार के साथ उनका ध्यान रखती थी, उसकी कमी उन्हें महसूस होने लगी। नंदिनी का सारा दिन माँ माँ कहकर उनके पीछे घूमते रहना और उनके द्वारा नंदिनी को झिड़क देना, वो सब याद करके नंदिनी की माँ अनमनी सी हो जाती थी। वो कहते हैं ना कि इंसान जब तक आंखों के सामने रहता है तब तक उसकी कदर महसूस नहीं होती है, लेकिन जब वह खुद से दूर चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होने लगती है। वही हाल यहाँ भी था। कुछ दिनों के बाद अपेक्षा अपनी रिश्तेदारी में एक अच्छा सा लड़का देखकर नंदिनी की शादी की बात चलाने लगी। अपेक्षा ने अपनी सास को भी अपने पास बुला लिया ताकि वह भी इस विवाह का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगी और शादी का दिन नज़दीक आने लगा। नंदिनी की माँ को अपने ही द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के कारण उसके साथ सहज होने में दिक्कत महसूस हो रही थी। अब हालत ऐसी थी कि वह नंदिनी की शादी की सारी तैयारियां भी कर रही थी और छुप छुप कर नंदिनी की विदाई के गम में आंसू भी बहा रही थी। इधर नंदिनी भी दिन रात सोचती रहती कि यदि मुझे भी माँ का प्यार मिला होता तो आज माँ मेरी विदाई के लिए कितनी तैयारी करती। वह उस एहसास को महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। उसकी शादी से एक रात पहले ही नंदिनी की माँ के मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। वह बार बार नंदिनी के कमरे में जाने के लिए सोचती, लेकिन उनके कदम आगे ही नहीं बढ़ते। आखिरकार उन्होंने हिम्मत करके नंदिनी के कमरे की तरफ रुख किया। उन्हें अपने कमरे में देखते ही नंदिनी चौंक कर खड़ी हो गई। आज अपनी माँ की आंखों में उसे एक अलग ही वात्सल्य नजर आ रहा था। उसकी माँ ने आगे बढ़कर सोने का जड़ाऊ हार उसे देते हुए कहा, ये तेरी माँ की निशानी है, तुम्हारे पिताजी ने इसे तुम्हारे लिए बड़े ही जतन से संभाल कर रखा था। नंदिनी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। वो भावुक होकर हार को अपनी हथेलियों में लेकर निहारने लगी। तभी उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नंदिनी ने आश्चर्य से सिर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं कहे बिना रह भी नहीं पाऊंगी। जब तुम मेरे पास से यहाँ चली आई तब से ही मुझे तुम्हारी कमी महसूस होने लगी। तू तो मेरे आंगन की चिड़िया थी, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपना ही नहीं पाई। और मुझे अपने ममत्व का एहसास तब हुआ जब तुम आज विदाई के नज़दीक पहुँच चुकी हो। नंदिनी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस माँ के प्यार के लिए वह बरसों से तरसी थी, आज वह अपने सामने ममता का आंचल फैलाए खड़ी थी।
वह भागकर अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सोम और अपेक्षा भी कमरे के बाहर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम हो चली थी। नंदिनी ने रोते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन मुझे माँ का प्यार तो नसीब हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। नंदिनी के दामन में आज खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक तो उसे ससुराल के रूप में अपना घर मिल गया था और दूसरे उसे मायके में माँ भी मिल गई थी। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।